स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए वो है गाजर कीसा हुआ, ऐसे मैंने बारीक कीस लिया है इसको, आप भी इसको ग्रेटर में कीस लें। दूध, घी, शक्कर, कुछ मेवे कटे हुए मैंने ऐसे लिया हुआ है, इसको बारीक काट लेना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, दो तेज पत्ते और दो इलायची। ये हरी इलायची आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये आप ऐसे साबुत लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए बनाना। इसके लिए सबसे पहले आप एक बर्तन पे दूध को गर्म होने के लिए बिठा दें और दूसरी ओर और एक गैस जला के उसमें आप कढ़ाई बिठा लें और कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें आप डालें घी। जैसे आपकी घी गर्म हो जाए तो इसमें डाल दे दो तेज पत्ते। अब इस पे डालें आप कीसा हुआ गाजर। और अब इसको, ये कीसे हुए गाजर को हम लोगों को लगातार चलाते हुए अच्छे से लाल होने तक का भूनना है। और साथ ही साथ ये जो बाजू में आपने हमने दूध रखा है उबालने के लिए, इसको भी लगातार थोड़े थोड़े देर में चलाते रहें ताकि दूध नीचे से पकड़े नहीं। आप देख सकते हैं गाजर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इसको और थोड़ा 2 मिनट और भूनेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, गाजर का हलवा बनाते समय आपका गाजर बहुत अच्छे से फ्राई होने चाहिए, ये जलने नहीं चाहिए, लेकिन फ्राई बहुत अच्छे से होना। जितना अच्छा फ्राई होगा गाजर का हलवा उतना स्वादिष्ट बनेगा। अब इस स्टेज पे देख सकते हैं मैंने दूध भी खुला के रख लिया है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इस स्टेज पे हम लोग इस पे डाल देंगे दो जो हम लोगों ने छोटी इलायची रखी थी, उसको ऐसे हाथ से निकाल के इसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो दूध है वो। हम लोग कोई खोए का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग दूध की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रख रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि ये दूध को ही हम रिड्यूस करेंगे। इसमें आपके गाजर का हलवा का जो स्वाद है वो बहुत बेहतरीन आएगा और एडिशनल खोया आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसी बीच हम लोग बहुत अच्छे से चलाते रहेंगे और कुछ मेवे हम लोग इसमें डाल देंगे और कुछ मेवे बचा लेंगे ऊपर सजावट के लिए। इसी में आप ऐड करें शक्कर, जो जितना मीठा आपको चाहिए, क्योंकि हम लोग, आप अगर चाहें तो इसमें शक्कर के बदले कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई शुगर पेशेंट है तो इन दोनों का ही यूज़ ना करें, उस समय आप शुगर फ्री का यूज़ करें। आप देख सकते हैं सुंदर कलर आया है। अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह इसको कंटिन्यूअस चलाते हुए इस दूध को पूरा रिड्यूस किया है। करीब बड़े 4 गाजर में मैंने 1 लीटर दूध का यूज़ किया हुआ है और इसको पूरा रिड्यूस किया है। आप देख सकते हैं आपको एडिशनल कोई खोई की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका गाजर का हलवा बहुत सुंदर बन के तैयार होगा। अब इसी कंसिस्टेंसी में हम लोग इसको उतार लेंगे। निकाल लिया है, इसी तरह से आप भी एक बर्तन में इसको निकाल लें और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालें और इसको परोसें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें।
धन्यवाद।